सिद्धार्थनगर पुलिस कप्तान प्राची सिंह को हटाने की मांग को लेकर पिछले 9 दिनों से शोरतगढ़ विधानसभा से अपना दल एस के विधायक विनय वर्मा का धरना आज उनके विधानसभा क्षेत्र के 2 थाना अध्यक्षों को हटाने के बाद समाप्त हो गया। धरने को समाप्त करवाने के लिए आज शिक्षक एवं सिंह कुमार त्रिपाठी, कपिल वस्त विधायक श्याम धनी राठौर, भाजपा जिला प्रभारी हरिचरण कुशवाहा एवं भाजपा जिला अध्यक्ष कन्हैया पासवान धरना स्थल पर पहुंचे। लोगों की काफी प्रयास और ढेबरुआ थाना अध्यक्ष के साथ शोरतगढ़ थाना अध्यक्ष के हटाने के आश्वासन के बाद विधायक ने व्हाट्सएप पर दोनों थाना अध्यक्षों के स्थानांतरण देखने के बाद अपने धरने को समाप्त करने की घोषणा की। आपको बताते चलें कि पिछले 9 दिनों से विधायक विनय वर्मा जिले की पुलिस कप्तान प्राची सिंह के ऊपर सिद्धार्थनगर के सभी थानों को बेचने और जिले में अपराधियों को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए धरने पर बैठे थे। उनकी मांग थी कि जब तक सिद्धार्थनगर जिले के कप्तान का ट्रांसफर नहीं हो जाता वह लगातार धरना देते रहेंगे। धरना खत्म करने के बाद मीडिया से बात करते हुए विधायक विनय वर्मा ने कहा कि आज शिक्षक एमएलसी ध्रुव त्रिपाठी और स्थानीय विधायक उनके धरना स्थल पर आकर उन्हें समझाने के बाद उनके सम्मान में वह धरना खत्म करेंगे। आज मेरे जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से लेके मैं सबको दिल से धन्यवाद देता हूं और माननीय ध्रुव त्रिपाठी बाबू जी को मैं पैर छू के धन्यवाद देता हूं, श्याम धनी सर के पैर छू के धन्यवाद देता हूं, जो अपना इन्होंने ताकत लगा दी और ऊर्जावान हमारे कन्हैया पासवान जिला अध्यक्ष जी ने और हमारे परवारी जी कुशवा जी इनके आज सब लोगों ने ताकत जिले में एसओ को हटाया और एसओ हटाने को हमारी पहली मांग पूरी करी है। मुखिया को कप्तान को हटाना हमारे मुखिया के हाथ में और मुखिया हमें विश्वास है जब हमारे विधायक सब मिलके एसओ को हटवा सकते हैं अपने विधायक के लिए तो मुझे इतना यकीन है आने वाले कुछ समय में कप्तान भी हटे, जिला कप्तान हटाओ जिला बचाओ ये रहेगा। सर ये जो आपका नारा था जो आपने बैनर पे भी लिखा हुआ था और इसी को लेकर के आप बैठे भी थे कि हम कप्तान जब तक नहीं हटेंगे तब तक हम रेगुलर जो है धरने पर बैठेंगे, जी जाहिर है वो चीज़ तो आपका पूरा नहीं हुआ। जी जी मुझे इतना यकीन है आज आपने देखिए इतने मैं अपना दल का विधायक हूँ उसके साथ मेरे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सारे लीडर आए हैं और उसके बाद उन्होंने एसओ हटवाने के बाद आए हैं तो बताइए मैं उनके सम्मान में मैं अपनी भारतीय जनता पार्टी मैंने क्या बोला है। भारतीय जनता पार्टी अपना दल और निषाद पार्टी मैं तीनों का सम्मान करता हूँ, मैं पार्टी के साथ हूँ, मैं कप्तान के आज भी नहीं हूँ कल भी नहीं, क्यों उसने हमारा विधानसभा बेकार करा हुआ है। आप विश्वास करिएगा जैसे इन लोगों ने एसओ हटवाए हैं तो आने वाले टाइम पे हमारे मुखिया साहब अभी तत्काल रूप में आपको वो भी समय दिखेगा जो कप्तान हटेगा। आप सम्मान की बात कर रहे हैं, सम्मान तो जाहिर है आपने इन लोगों का रखा, जो भी विधायक जी लोग सारे लोग आए आपने इनका सम्मान रखा, ये चीजें तो सर आपके धरने से पहले भी हो सकती थी जो एसओ को हटाने की, आप समझे, बट सर आपकी जो लड़ाई थी वो तो मेरे नहीं 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 मेरे धरने से पहले ये नहीं नहीं बिल्कुल मेरे धरने से पहले ये होती तो मैं यहाँ नहीं बैठा रहता। सारे एसओ को जिस तरीके से विधायक के लिए काम करने के लिए मना करा था आज वो एसओ हट गए हैं ना तो कप्तान को पता हमारे जिला से भ्रष्टाचार सिर्फ शुरुआत हो गई खत्म होने लगी, वो हटेगा हटेंगे जैसे एसओ हटे कप्तान भी हटेंगे, आप विश्वास करिए आप लोगों के। फिलहाल इस खबर में बस इतना है।